Welcome to Viral News. Irrigation office in Langting campus likely to be reopened. After 20 years of its closure, Irrigation department may reopen its subdivisional office at Langting Irrigation campus, Langting under Maibang subdivision. This was stated yesterday by the executive member of North Kachar Hills Autonomous Council, Mr. Golonjo Thausen, during the meeting held with staffs of Langting Irrigation Subdivision. The EM told the staffs of Langting Subdivision that the office have been closed due to many reasons, but he will approach higher authorities to reopen the office at the earlier. Mr. Thausen also expressed hope that the concerned authorities will accept the proposal. The SDO also informed that the office was closed due to law and order problem. The office as such was occupied by the army by setting up army camp. But now, law and order return to normalcy and it is possible to reopen the office again. वो समय का मुठापी हुआ है हम हमरा बात भी नहीं आपका बात भी नहीं वेदर का माफी समय का बात इसमें आर्मी भी बैठे लगा है तो पहले कितना 20 साल का पहले में कितना सुंदर से यहाँ में ऑफिस बना कितना इंजीनियर आया कितना स्टाफ आया है और आप लोग के भी कितना यहाँ में सुविधा मिला है तो आज का दिन में पूरा जंगल हो गया और साथ साथ में आप लोग के भी शायद ऐसे मुलाकात पहले बार 20 साल में एक बार आज हुआ होगा ये है कि नहीं जब यहाँ से ऑफिस करा तब तो आज ऐसे मुलाकात हुआ हो मैं सब ना पहले हो तो इसलिए बहुत अच्छा है आज का दिन में आप लोग और हम लोग को भी एक दो काम करने में कौन स्टाफ है कौन किया है हम लोग को भी थोड़ा सा तुले हो रहा है और आप लोग भी अभी लांगटिंग के लिए अच्छा स्कीम लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन आप लोग यहाँ को पब्लिक को आप लोग को भी हेल्प लगता है तो इसलिए हम लोग ये हम लोग आप लोग डिपार्टमेंट और हम लोग सरकार पब्लिक के साथ में लांगटिंग के लिए कुछ काम करने सकेगा बोल के हम लोग एजेंडा कुछ निकलेगा साथ साथ में देखो इरिगेशन डिपार्टमेंट या में इतना तो नहीं फिर भी डिमाहासाओं में मोटा मोटी यहाँ में पंपिंग फार्म सब को भी यहाँ में है तो इसलिए आज कल का दिन में हर चीज में भी लगता है लेकिन हम लोग को भी सबसे पहले हम लोग चावल का व्यवस्था करनी पड़ती है आज के दिन में चावल अगर घर में है तो दूसरा विचार करने में इतना प्रॉब्लम नहीं लेकिन घर में चावल नहीं होता तो दूसरा सिस्टम हो जाता है तो चावल मिलने के लिए क्या करने लगेगा हम लोग से जो सरकार का तरफ से अभी सरकार बनने के बाद काम करने के लिए तो डिपार्टमेंट करेगा ऑफिशियली तो डिपार्टमेंट करेगा तो इसलिए हम आप लोग को सबको रिक्वेस्ट है मेरा बोलो भाई आने वाला दिन से आप लोग को भी कुछ यहाँ में ऑफिस एक ऑफिस शुरू कीजिए और एक अभी देखो हम लोग को ऑटोनॉमस काउंसिल के सीएम और हमारे डिपार्टमेंट जो इरिगेशन का ईएम या कोई भी बाहर से भी एक दो अगर विजिट करने के लिए आएगा तो आप लोग को थोड़ा पहले प्रेसिडेंट साहब से बताया आप लोग अपना अपना जगह में थोड़ा सा ठीक करके रहिए और आप लोग को जो अटेंडेंस का रजिस्टर जो यह में जो है वो आप लोग थोड़ा रजिस्टर मेंटेनेंस कीजिए सब डिविजन ऑफिस और उसका बाद बाद में जो माइलू में नूटन हजा में आप लोग जो काम कर रहे हैं आप लोग को भी जो साइड में एक तो रजिस्टर रखिए कोई देखो को भी हम विजिट करेगा हम हो हम तो इतना प्रॉब्लम नहीं सीएम आएगा कोई आएगा आप लोग को रजिस्टर मेंटेनेंस खोजेगा तो प्रॉब्लम तो सबको होगा ये हमारे सिर्फ का बात नहीं तो इसलिए अपना 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 भी आप लोग ठीक कीजिए और आने वाला दिन में आप लोग भी देखो लांगटिंग में कुछ आप लोग स्टाफ होने में आप लोग विचार होने में लोगों को गांव को कुछ नाला दिखाए कि अगला दिन में किसी का गाँव में
हनी खिची करके किसी को अच्छा सेवा में डिमा हसाव के अंदर में लंगटिंग में भी एक ऐसा इरिगेशन स्टाफ ने डिपार्टमेंट ने काम करके ऐसे फैला था, अभी ऐसे करके वो मिला है, आप लोग भी नाम लीजिए। और साथ साथ देखो अभी स्पेशली आप लोग को 4 से 5 महीने के ज़्यादा काम रहता है, बाकी दिन तो आप लोग है ऑफिशियली में लेकिन एरिया वाइज में जो थोड़ा घूमती घूमती है, फिर भी आप लोग जितना काम किया बहुत अच्छा है अभी तक भी, और आने वाले दिन में अच्छा से आप लोग भी काम कीजिए। আচ্ছা আজি ভাল লাগিল লোকেল এমএসসি নাম অনারেবল ইএম কোঅপারেশন সেরিকালচার এন্ড এসেট্রা ইয়াতে আহিলে তাহার কারণে আমি গোটেই মানুহখিনি সাইডৰ পৰা মাতি হেতে আনিছোঁ, চিনাকি হ'লোঁ। আমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ এটা প্ৰব্লেম হ'ল, এইটো লং টাইমৰ প্ৰব্লেম। আজি মইতো ইৰিগেশ্যন এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিলোঁ, ট্ৰান্সফাৰ হৈ ইলেকশ্যন ট্ৰান্সফাৰ 5 বছৰমান হ'ল, 15 আহিছোঁ। তাৰ বহু আগৰ পৰা এইটো মানে ইয়াতে প্রথম আর্মি মই আহি পালো, আর্মি বহু আগত আর্মি সোমাইছে, আর্মি সোমাইছে আর দুই এটা বিল্ডিং আছিল ভাঙা। তো আমার ইরিগেশনের দুটা সাইড, এটা হল ফাংশনিং টু চলি আছে, পানি যে দিব লাগে দি আছে, কোনবা এস্টিমেট বনাব লাগে বনাই আছে, এটা অফিসত বহি বনাব লাগিছিল, অফিসত বহার একোমোডেশনটা নাই কারণ ঘরত বনাই আছে, কোনবা এস ডি আহি কিবা একটা সিগনেচার দিব লাগিছিল, আহি আমার বড়বাবু এজন তাকে তেওর গুরুত্ব দিছে, ইরিগেশনের কাম তো চলি আছে। কিন্তু কথা হল আমার অফিসের একটু বর্তমান যেটু কন্ডিশন, 13টা আসামটা বিল্ডিং আছে, কোনো একটা বিল্ডিংই ব্যবহার করব করিব পারা নহয়, ইন ডিলাপিডেটেড কন্ডিশন, কিছু রিপেয়ার হব। আর্মি যেতিয়া অটরত এড়ি গল, এড়ি যাওয়াতে লগে লগে আমি রিপোর্ট করেছো, আমি প্রথম বাউন্ডারি ওয়াল এটা লাগে, বাউন্ডারি ওয়াল এটা বনাবার কারণে প্রথম প্রিলিমিনারি এস্টিমেট এটা দিছি 25 লাখ 7000, তারপর আকু ডিটেল এস্টিমেট করেছো 27 লাখ 78000। তো এইখানে বাউন্ডারি ওয়ালটা প্রথম বনাব লাগে, বনাই অন্তত দুটা আমার আসাম টাইপ বিল্ডিং রিপেয়ার করিব লাগে বা রিকনস্ট্রাকশন করিব লাগে। প্রথম হলো এটা অফিস, আর এটা এজন তো সিকিউরিটি রাতে থাকিব লাগে, বর্তমান এজন সিকিউরিটি আছে রাতে চায় দিনত চায়, কিন্তু মানুষজন থাকার সুবিধা নাই। আর যাবার আর্মি যাওয়ার পিছত প্রথম এজন সিকিউরিটি আমি অর্ডার করে দিলো, রাতে অকমান অসুবিধা পালে, তো পিছত গাবড়াইলে মানে অল্প ভয় করিলে যে এই কন্ডিশনত থাকিব, অকমান প্রবলেম হল, পিছত ওসর লড়াই এজন দিল। তো আমার প্রথম কথা হল বাউন্ডারি ওয়ালটা লাগে, বাউন্ডারি ওয়ালটো এইবিলাকতো অলপ কস্টলি বস্তু, অফিসের ফালের পৰা যদি পয়সা পাতি ব্যবস্থা নহয় আপার লেভেলের পৰা আমি তো করব নোৱাৰো। আর বাউন্ডারি ওয়ালের পিছতে অন্তত দুটা আমার আসাম টাইপ ঘর যেনে তেনে হোক, আইদার রিপেয়ারিং ও রিকনস্ট্রাকশন ও রিনোভেশন, এটা আমি অফিস করিম, আর এটাত অন্তত এজন সিকিউরিটি রাতে থাকিব। আর মই এসডিও মূল কোয়ার্টার নাই, মই জানবা না থাকিলে কবার থাকিলে বারো থাকিলে অফিসের কথা, আমার বড়বাবু এজন একটা একটা কোয়ার্টার আছে কোনো মতে, তো আমার প্রবলেম নাই। এই প্রবলেমটো হল কি আমার অফিসত বহি একোমোডেশন বহি কাম করার কোনো সুবিধা নাই, আর ধর বর্তমান তো দেখাই পায় দুয়ার খিড়কিবিলাক ভাঙি গৈছে, ওয়াল প্যানেল পড়ে গৈছে, চকি টেবিল নাই, এইখানে অকমান রিপেয়ার করার কারণে বা রিপেয়ার করিলে ডিপার্টমেন্টেলে আমার সুবিধা হব। লাংটিং সাব ডিভিশনের বর্তমান স্টাফ আছে ইন রোল, সাব ডিভিশনের আন্ডারত আছে 41 নাম্বার্স, 41 নাম্বার্সর মাজত আমার লাংটিং সাব ডিভিশনের মানুষ ডিভিশনও নিব পারে, অল্প কাম বেশি থাকিলে নিয়ে কেতে বা, তো এই মানুষখিনির বেশিরভাগ আপনার সাইটের লগত জড়িত হয়ে আছে। He further told the media person that the EM Golinjathausen called on all the 42 staffs and held meeting with them in this regard. He hopes that they will soon reopen the office in near future. अभी ऐसे है, अभी यहाँ में जो लंगटिंग इरिगेशन जो या सब डिवीजन आज से लेके 16-17 साल हो गया, ऐसे पूरा बोर नहीं फंक्शन ऑफिशियली नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये 16-17 साल का पहले में पूरा यहाँ में फंक्शन हुआ, ऑफिशियली हुआ, काम हुआ, स्टाफ भी फुल था। अभी आज लेके पूरा 17-18 साल हो गया, कुछ फंक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम एम होने के नाते आज या लंगटिंग जो सब या इरिगेशन तरफ से वो लोग स्टाफ को सबको बुलाया, अभी हम लोग को बीच में क्या प्रॉब्लम है और आने वाला दिन में हम लोग स्टाफ और मिलके सरकार मिलके लंगटिंग बसिए को हर जो खेती में पानी उनी देने के लिए नाला और या में दो मशीन है माइलू और नोडुना जो है उसमें भी हम लोग अच्छा से रेगुलर से हम लोग पानी उन्हें देने के लिए और खेती में पब्लिक के अच्छा से पानी पहुँचाने के लिए स्टाफ से भी हम लोग कैसे करके अच्छा होगा आने वाला दिन में, या में ऑफिस भी रनिंग करेगा और हम लोग
पूरा काउंसिल से हम ये होने के नाते या मैं लांगटिंग के बारे में जितने की इरिगेशन डिपार्टमेंट में जितना सकता हम हेल्प करेगा, और आने वाला दिन में हम सीएम साहब को रिक्वेस्ट है हमारे लांगटिंग में भी इरिगेशन डिपार्टमेंट को, स्टाफ को और ऑफिशियली को अच्छा से रेगुलर करने के लिए, और साथ साथ में हमारे काउंसिल के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का आईसी ईएम उनको भी अच्छा से आने वाले दिन में ऑफिस को चलाने के लिए कुछ व्यवस्था लिया जाए, और काउंसिल के सीएम को भी हमारा तरफ से रिक्वेस्ट है आने वाले दिन में अच्छा से इरिगेशन ऑफिस अच्छा से रेगुलर करने के लिए और अच्छा से फंक्शन करने के लिए हम विश्वास है, और आने वाला दिन में अच्छा से ऑफिस भी रेगुलर होगा और काम भी अच्छा से होगा, और हम स्टाफ को भी पूरा विश्वास है आने वाला दिन से लांगटिंग के भी कुछ आने वाला दिन अच्छा दिन अच्छा खबर मिलेगा बोल के, वही बोल के हम सबको भी विश्वास है और छोटा सा यह।